भी उस व्यवस्था में, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, उसने आम लोगों को, आम आदमी को, आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। और उसी का परिणाम है कि हर आम आदमी आज परेशान है। आप मध्यप्रदेश के हालात लें तो मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कोई काम होता है बिना पैसे दिए? तो नीचे से ऊपर तक, पटवारी से मुख्यमंत्री तक, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो साथियों, जहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हो, बिजली के दाम सबसे ज्यादा हो, अभी भी मध्य प्रदेश के 43 लाख घरों में बिजली नहीं है, अनाप शनाप बिल आते हैं और बिजली का अगर बिल ना भर पाओ तो घर का सामान उठा ले जाते हैं, चोर बनाकर जेल में डाल देते हैं। इस मध्य प्रदेश में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, इस मध्य प्रदेश में अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, मध्य प्रदेश में इतना भुखमरी फैली है, कुपोषण फैला है कि 92 बच्चे रोज मरते हैं कुपोषण के कारण। मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्कूल नहीं है, जो स्कूल है वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसान की अगर फसल खराब हो जाए तो मुआवजा नहीं मिलता, किसान की फसलों का दाम नहीं मिलता, किसान कर्जे में फंसता जा रहा है और इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। 5 किसान रोज आत्महत्या करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के हालात इतने खराब हो गए हैं क्योंकि अभी तक जो भाजपा और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने पूरी तरह से नोच डाला है, चूस डाला है आम आदमी, और इसलिए बदलाव की जरूरत है। और इसलिए अगर बदलाव की जरूरत है तो कैसा बदलाव होगा? वो ईमानदार सरकार चाहिए, ईमानदार पार्टी चाहिए, जो आम लोगों के लिए काम करे, एक ऐसी पार्टी चाहिए और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। पर क्यों वो आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है? क्यों आम आदमी पार्टी की राजनीति भाजपा और कांग्रेस से अलग है? जब आप घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे तो सामने वाला तो प्रश्न करेगा ही ना कि भाई जैसी बातें आप कहते हो ऐसी तो बातें बाकी पार्टी वाले भी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि बेरोजगारी दूर कर देते हैं, कर देंगे, वो भी कहते हैं महंगाई खत्म कर देंगे, वो भी कहते हैं कि स्कूल अच्छे कर देंगे, आप भी वही बात कर रहे, तो हम कैसे माने कि आप उनसे अलग हो? तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया है वो सबूत है कि आम आदमी पार्टी ईमानदारों की पार्टी है, आम आदमी की सरकार ईमानदारों की। पर वो क्या काम किया है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या काम किया, क्योंकि वो काम जब तक आप नहीं बताओगे कि सामने वाले को भी समझ नहीं आए। बताइएगा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, ये हम नहीं कह रहे, केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर। बताइएगा कि दिल्ली में मध्य प्रदेश से 1/3 दाम पर बिजली मिलती है, दिल्ली में सबके घरों के अंदर पानी आ रहा है, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सुविधा में हर चीज फ्री है, इलाज, दवाई, जांचे, ऑपरेशन, और मोहल्ला क्लिनिक उनके घर के बगल में है, दूर नहीं जाना पड़ता। दिल्ली में स्कूल, सरकारी स्कूल इतने अच्छे बन गए हैं कि प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़कर सरकारी स्कूल में जा रहे हैं और दिल्ली में 93% बच्चे पास होते हैं। फसल अगर खराब हो जाए, दिल्ली में भी ग्रामीण क्षेत्र है थोड़ा, तो जो आपको 300-500 रुपए एकड़ मिलता है तो दिल्ली में 20,000 रुपए एकड़ का मुआवजा मिलता है। यहाँ पर पेंशन 300 रुपए मिलती है, 300 भी नहीं मिलती, 5-5, 6-6 महीने से नहीं मिलती,
और कहीं कल ही में कहीं कहा था तो मैंने कहा माई कितने रुपए की पेंशन मिलती है, तुमने कहा 200, इनको 200 ही मिलती है क्योंकि 100 रुपया खा जाए। और दिल्ली में हम कहते हैं कि 300 रुपए 10 रुपया रोज किसी की जिंदगी नहीं चला सकता, इसलिए दिल्ली में हम 2500 रुपए महीना पेंशन देते हैं। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक को 150 रुपया रोज मिलता है, दिल्ली में अतिथि शिक्षक को 1500 रुपया रोज। ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी, आपको ये बतानी पड़ेगी कि एक ईमानदार सरकार अगर आती है तो क्या कुछ बदल जाता। आज दिल्ली का एक एक परिवार सिर्फ बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य के कारण 8 से 10 हजार रुपए महीने का बचा रहा है। तो ऐसी ईमानदार पार्टी चाहिए, ऐसी ईमानदार सरकार चाहिए जो आम लोगों के लिए काम करे, आम लोगों को लूटे नहीं। तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी। और एक और बात आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो ये भी पूछेगी कि आप क्या करने वाले हैं। 15 जुलाई को इंदौर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, अरविंद जी आए थे, कितने लोग गए थे उसमें, क्या है तुम कितने लोग गए थे उसमें। वहां पर मैंने 100 रुपए के स्टैंप पर पहली 30 घोषणाएं की। पहली बार इस देश की राजनीति में किसी ने स्टैंप पर घोषणा की, क्योंकि हमारा मानना है कि चुनाव के पहले तो अभी सब आएंगे। अभी वो मैंने देखा कांग्रेस वालों का रथ तैयार खड़ा हुआ, कौन सा जन आंदोलन करने वाले सब बोलते। अभी 6 जून को राहुल गांधी आए मंदसौर, 6 जून को क्या था मंदसौर कांड की बरसी थी, और कहा कि किसानों को हम कर्जा माफ कर देंगे, और ये कहा कि किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो हमने पूछा भैया ये स्वामीनाथन कमेटी बनाई किसने, कांग्रेस ने बनाई थी, रिपोर्ट करवाई थी 2006 से 2014 किसकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो तुमने वो रिपोर्ट कभी लागू कर दी होती, तो 8 साल में पूरे देश में 1,28,378 किसानों ने आत्महत्या की है, उन किसानों को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। वो जब आवाज उठाते हैं 6 जून को मंदसौर हत्याकांड की, जिसमें शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने 6 लोगों को 6 किसानों को गोली से भून के मार दिया, तो उन कांग्रेसियों को ये याद दिलाना कि 12 जनवरी 1998 को बैतूल जिले के मुलतई में ऐसे ही किसान प्रदर्शन कर रहे थे, तब कांग्रेस की सरकार ने गोली चलवाई थी, और तब 6 नहीं 24 किसान मारे गए थे, 24 किसान। तो चाहे भाजपा हो कि कांग्रेस, तो दोनों हत्यारी सरकार, ये दोनों लुटेरी सरकार, भूले नहीं है हम। कांग्रेस के समय में 2G घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला हुआ था, एक एक घोटाला पता है कितना, एक 2G घोटाला हुआ था 1,76,000 करोड़ का, 1,76,000 करोड़ पता है कितना होता है, कि इस भारत के हर जिले के 50,000 युवाओं को 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिल जाए, इतना बड़ा घोटाला था वो। तो ये जो देश को लूट के खाने वाले हैं, ये सब लोग चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं 15 लाख रुपए आ जाएंगे आपके खाते में, 100 दिन में आ जाएंगे, और चुनाव जब हो जाता है, जब सरकार बन जाती है, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जब पूछते हैं कि 15 लाख आएंगे तो क्या कहते हैं, नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिनकी सरकार है, उन्होंने कहा वो तो जुमला था। जुमला जानते क्या होता है, कि वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था, मजाक कर दिया था, सच थोड़ी बोल रहे थे।
अरे भाई, जिस गरीब के पास 15,000 रुपया नहीं है, जब तुम 15 लाख की बात करते हो और मालूम है उनको कि तुम बेईमान हो, 10 गुने बेईमान हो, तुम सोचता है कि 1.5 लाख तो देना ही देगा, और तुम उसके बाद उसको कुछ नहीं देके कहते हो कि हमने धोखा दिया था। तो तुमने तो इस देश के 120 करोड़ लोगों को धोखा दिया। तो ये धोखा खत्म होना चाहिए। इसलिए ये स्टाम्प देख रहे हैं, ये स्टाम्प पहली बार इस देश में किसी ने दिया। ये मैंने स्टाम्प के ऊपर 30 घोषणाएं की हैं और कहा है कि 30 में से अगर 29 पूरी कर दे और एक भी रह जाए तो इस मध्यप्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों में से कोई भी व्यक्ति मुझे कटघरे में खड़ा करवा सकता है। ये घोषणा की है, इतनी हिम्मत दिखाई। इस शपथ पत्र को घर घर तक ले जाना होगा। क्या लिखा है इसमें? हर व्यक्ति के बारे में लिखा है, किसानी के बारे में लिखा है कि किसान का कर्जा माफ करेंगे, उसका फसल का 1.5 गुना दाम देंगे, किसान को 18 घंटे बिजली दी जाएगी, बिजली रात में नहीं दिन में दी जाएगी, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक दी जाएगी। ये लिखा है इसको। युवाओं के लिए लिखा है, यहाँ बहुत सारे युवा खड़े हैं, हमने लिखा है कि हर युवा को रोजगार का अधिकार है, हम युवाओं को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं देते 12वीं पास को 1,500 ग्रेजुएट किया है उसने उसको 2,000 और जिसने एमए कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है उसको 3,000 रुपए महीने का भत्ता दिया जाएगा। बिजली के बारे में हमने लिखा है कि बिजली के दाम पूरे प्रदेश में आधे कर दिए जाएंगे और शिवराज सिंह चौहान जो 200 रुपए की लालच बता रहा है वो थोड़े से ही लोगों को 200 रुपए की बात कर रहा है, हम कह रहे हैं कि हर गरीब को 50 रुपए महीने पर बिजली दी जाए। पानी, हर गांव में हर मोहल्ले में पानी पहुंचाया जाएगा। आदिवासियों के लिए बहुत सारे प्रावधान है 5वीं सूची अनुसूची में, वो सब कुछ लागू किया जाएगा। उनकी जो वनोपज होती है उसको भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर लाया जाएगा, और चाहे किसान की फसल हो या आदिवासी की वनोपज, उसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होगा उस न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे अगर कोई भी प्रदेश में खरीदारी करेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो इस तरह की जो सारी बातें हमने दी है, 30 तरह से पहुंची है, सब पाई बातें, इसको घर घर तक पहुंचाना, कहना कि 100 रुपए के स्टैंप पे लिख के दे रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। हमारी पार्टी मजाक करने वाली नहीं, हमारी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है कि जो कहेंगे वो करेंगे, और सिर्फ जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, दिल्ली में हमने जो कहा सो किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली में 3.5 साल की सरकार है, हमने जो 70 घोषणाएं की थी वो 5 साल के लिए की थी, पर आज 3.5 साल के अंदर ही हमने अपनी 70 की 70 घोषणाएं पूरी कर दी है। इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की ईमानदारी की राजनीति हमें लानी है, ईमानदार लोगों को लाना है। ईमानदार लोग जब विधानसभा में पहुंचेंगे तब जाकर देश की हालत पहुंची बदलेगी। आज कौन पहुंच रहा है विधानसभा में? वो जिनके ऊपर केसेस लगे हैं, वो जो लूट रहे हैं। हमें ईमानदार लोगों को पहचानना होगा। और आपके क्षेत्र से पुष्पेंद्र सिंह जी जो इंजीनियर हैं, ऐसे व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने चुना है, किसी लुटेरे को नहीं चुना, किसी गुंडे को नहीं चुना, ऐसे व्यक्ति को चुना है जो आम लोगों के मुद्दे पर आपके बीच में बैठकर अनशन करता है, जो खाना छोड़ता है,
आज के नेता कैसे हैं, वो आपका भी खाना छीनकर खुद खा जाते हैं। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो दूसरे का, आम आदमी का, गरीब का खाना छीनकर खा जाए। हमें वो लोग चाहिए जो गरीब के अधिकार के लिए अपना खाना भी छोड़ दे, वैसे लोग चाहिए। और वैसे पुष्पेंद्र सिंह को आपका उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बनाया है। पर ये बात सिर्फ पुष्पेंद्र सिंह की नहीं है, ये आम आदमी की बात है। चुनाव सिर्फ पुष्पेंद्र सिंह नहीं लड़ेगा, और चुनाव पुष्पेंद्र सिंह लड़कर जीत भी नहीं सकता। चुनाव जीता तभी जा सकता है जब आम आदमी इस चुनाव को लड़ेगा। और साथियों, जो दिल्ली में हम बात कहते थे वो बात आज आपसे कहने आए, और आपको जाकर वो सब गांव मोहल्लों में कह देना ये बात हमारी तरफ से कि हम सत्ता पे चढ़ने वाले लालची लोग नहीं है, हम आम लोगों को अधिकार दिलाने वाले लोग हैं। इसलिए यदि अगर आपको भाजपा कांग्रेस अच्छी लगती हो तो एक वोट हमको मत देना, हमारी जमानत जब्त हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि आपको लगता है कि भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर पिछले 70 सालों में हमें लूटा है तो ये मौका मत छोड़ देना, इतना बटन झाड़ू पे दबाना कि पूरी सत्ता बन जाए, कि झाड़ू का जो निशान है लोगों के जहन में चला जाना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए कि भ्रष्टाचार को अगर दूर करना है, अगर बच्चों की पढ़ाई अच्छी करनी है, अगर शिक्षा की व्यवस्था बच्चों को दिलवानी है, अगर बिजली सस्ती पानी है, पीने के पानी की व्यवस्था होनी है, किसानों को फसल का दाम मिलना है, पेंशन अगर अपने को बढ़वानी है, तो इन सब के लिए एक ही रास्ता है कि झाड़ू चलानी पड़ेगी इस बार। अब चालू हो जाएगा चक्र, लोगों को दलाल बनाया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, दारू दी जाएगी, पैसे दारू बांटी जाएगी। वो कहीं अपनी जेब से लाते नहीं पैसे दारू बांटते, वो पैसा किसका है जिससे वो पैसा बांट रहे हैं? हमारा लूटा हुआ पैसा है, तो उससे अपना वोट मत बदलिएगा। तो पैसा बांटे, साड़ी बांटे, कुछ भी बांटे, वो आपके पैसे का है, ले लीजिएगा, पर वोट किसको? आम आदमी कौन सा निशान है? हाँ, तो वोट हमको देना होगा। ये बात समझ, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर बदलाव चाहिए, अगर दिल्ली जैसा भ्रष्टाचार खत्म करना है, बिजली सस्ती करनी है, पानी की व्यवस्था करनी है, स्कूल की व्यवस्था करनी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, किसानों की कर्जा माफ करना है, उसकी फसल के दाम अच्छे करने हैं, पेंशन बढ़ानी है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है, झाड़ू चलानी है और भ्रष्टाचार खत्म। तो अब अगले ढाई महीने बाकी, बस अगले ढाई महीने दिन रात एक कर दीजिए, लग जाइए अपने गांव वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, सबको हाथ जोड़कर कह दीजिएगा कि भाई एक बार, ये भी कह देना कि भाई इन दोनों को तो इतनी बार देख लिया, विश्वास जमता है तो इनको भी एक बार देके देख लो। अरे कितना ही बुरा करेंगे, इनसे बुरा तो नहीं कर सकते। और बुरा क्या करेंगे, हमने जो दिल्ली में कर दिया है तो देश में प्यास में नहीं हुआ, तो अपनी बात जो हमने दिल्ली में किया है वो घर तक पहुंचाना, हमारा संकल्प जो हमने स्टाम्प पे दिया है वो घर तक पहुंचाना है, सबको तैयार करना है। और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे पास पुष्पेंद्र जी जैसा कर्मठ, ईमानदार, लड़ाकू उम्मीदवार है। बता दीजिएगा हर गांव गांव में हर व्यक्ति को
इनको विधानसभा में भेजोगे, ये विधायक बनकर सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करेगा। और ये मैं आपसे प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कह दूं कि सेवा में 365 दिन में एक दिन की कमी हो जाए तो मेरे पास आ जाना, इनको पार्टी से बाहर करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी लड़ाई सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई, और जहां सच्चाई और ईमानदारी होती है वहां ईश्वर अल्लाह जो भी आप नाम लेते हो उसकी ताकत होती है, और जहां उसकी ताकत होती है वहां जीत निश्चित होगी। हमारी जीत होगी, लूट और भ्रष्टाचार का राज जाएगा, आम आदमी का राज आएगा। एक नया नारा हमने बनाया है और उस नारे को हमें पूरी विधानसभा में गुजारने हैं। भ्रष्ट भाजपा, भ्रष्ट कांग्रेस, आओ बदले मध्य प्रदेश। ये भ्रष्ट भाजपा और भ्रष्ट कांग्रेस ने अभी हो क्या रहा है, भाजपा से लोग इतने त्रसित हो गए, पहले कांग्रेस से बहुत परेशान हो गए क्योंकि भाजपा को लिया, तो कांग्रेस 4 डंडे मारती थी तो भाजपा ने 6 मार दिए, तो लगता है कि कांग्रेस अच्छी थी वो तो 4 ही मारती थी, ये तो 6 वाले हैं। और कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि भैया हम तो 4 ही मारते थे तो 6 वाले हैं तो हमको ही चुन लो। हम कह रहे हैं डंडे मारने वाला नहीं चाहिए, अपने को तो हमारी सेवा करने वाला चाहिए, हमारा काम करने वाला चाहिए। तो लोगों को भी ये बताना पड़ेगा कि दोनों भ्रष्ट हैं, डिग्री का अंतर होगा। अब बुखार तो बुखार है, 102 हो कि 100 हो, शरीर तो गड़बड़ा जाता है। तो हमने नारा दिया है कि भ्रष्ट भाजपा, भ्रष्ट कांग्रेस, आओ बदले मध्य प्रदेश। भ्रष्ट भाजपा, भ्रष्ट कांग्रेस, भ्रष्ट भाजपा, भ्रष्ट कांग्रेस। एक और नारा क्या, पंजे पर ना क्या है, पैसे पर ना दारू पर मार लगेगी, वोट नहीं होता बटन बटन दबेगा चार, अब बटन दबने लगा पहले तो मार लगती है ना। तो पैसे पर ना दारू पर, पैसे पर ना दारू पर, एक वो था ना तीसरा नारा, चले की झाड़ू उड़े की धूल, चलेगी झाड़ू उड़ेगी धूल, नारायण पंजा नारायण, चलेगी झाड़ू उड़ेगी धूल, चलेगी झाड़ू उड़ेगी धूल। ये बात हमें बतानी है कि दोनों के खिलाफ एक नई आवाज, ईमानदार आवाज, सच्चाई की आवाज खड़ी हो गई है, जो आवाज हम दोनों को पूरी तरह से साफ करने वाली है, जैसा कि दिल्ली में हमने साफ किया था। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुष्पन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने इतनी कठिन परिस्थितियों में कार्यक्रम किया और मेरा पूरा विश्वास है कि इस विधानसभा पर और इस पूरे प्रदेश पर इस बार आम आदमी का राज होगा और अगली सरकार आम आदमी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।